दिस इज़ वारी खत्री यार। अभी का वीडियो इसलिए है कि अभी रीअपियरिंग का आ चुका है। अगर आप लोग चाहो तो रीअपियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। सीबीएसई का जो भी है उस पर साइट पे उधर लिखा हुआ भी है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अपने को 5 के 5 सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट के लिए है ना करना पड़ेगा। आप अपन चाहे तो 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, 3 में, मतलब चाहे जितने सब्जेक्ट में अपन रीअप्लाई का अपियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यार ऐसा नहीं है, अपना प्रोटेस्ट देखो जारी रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ऑन एन सेफ साइड रहने के लिए जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग रीअपियर के लिए अप्लाई कर दो। मैं भी सोच रही हूँ कि अभी तक फिक्स नहीं है कि करूँ कि नहीं करूँ, बट आई एम थिंकिंग। और हाँ यार, जो वही लोग रीअपियर के लिए अप्लाई करना जिनको ऐसा लगता है कि हाँ यार उनका जितना स्कोर आया ना उससे तो ज़्यादा, वो मतलब 10 दिन में प्रिपेयर करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस मेरे 2 सब्जेक्ट्स में है जिनसे मैं, मतलब जिनके मार्क्स से मैं बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हूँ, उन 2 सब्जेक्ट्स के लिए है कि यार इससे ज़्यादा मैं स्कोर तो आराम से कर लूँगी, मतलब 10 दिन भी अगर मेरे को मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए तो, ठीक है ना। तो मेरा फ़िलहाल तक अभी तो मैं सोच रही हूँ, मतलब 80% तो चांसेस है कि मैं रीअपियर के लिए अप्लाई कर ही दूँगी, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि यार तुम लोग रीअपियर के लिए अप्लाई मत करो, यार करो अप्लाई। अगर तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर पाओगे तो ज़रूर कर दो, लेकिन रीचेकिंग के लिए अगर आता है तो वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। और है ना, अपने अपने ये भी कोशिश करेंगे कि अपने को अपने सवाल का जवाब मिले, लेकिन उन्हें सेफ साइड रहने के लिए। अगर मान लो रीचेकिंग का नहीं आता है तब तो फिर अपना रिजल्ट तो वहीं का वहीं अटका रह जाएगा, क्या पता सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कोई जवाब ना आए। तो इसलिए सेफ साइड पर रहने के लिए सभी लोग रीअपियर के लिए अप्लाई कर देना, जिनको मतलब ज़्यादा लगता है ना कि उनका रिजल्ट मतलब इससे बेटर आना चाहिए था वो। क्योंकि यार मेन रीज़न इस वीडियो को बनाने का ये है कि मतलब अगर आप लोग रीअपियर के लिए अप्लाई नहीं करते हो तो फिर बोल देना हमने आपके लिए आपके कहने पे नहीं करा था और है ना हम लोगों का रिजल्ट ऐसे ही रह गया। मतलब ऐसे कमेंट्स खूब आएंगे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी अभी भी बहुत हेट कमेंट्स आ रहे हैं कि आप में कॉन्फिडेंस है तो रीअप्लाई के लिए अपीयर कर दो। तो यार मैं सोच रही हूँ कि कर दूँ रीअप्लाई के लिए अपीयर। बाकी आप लोग भी करना चाहो तो कर लेना, आजकल में उसका फॉर्म भी रिलीज हो ही जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, अगर इनफैक्ट मेरे को लगता है मैं कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ, क्यों ना करूँ रीअपियर के अप्लाई, जबकि अपने से अपने पास में ये ऑप्शन भी है कि अपन 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के अभी तक मेरे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं करूँ। आप लोग करना चाहो तो आप लोग भी कर लेना रीअप्लाई के लिए अपियर, ठीक है ना। मतलब फिर ऐसा ना हो ना कि दीदी हमें तो लगा कि ना हमारा प्रोटेस्ट पूरा होगा और है ना हमें रीचेक, मतलब हमें रीअपियर करे बिना हमारे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे या मतलब हमें जवाब मिल जाएगा हमारे सवाल का। तो यार उसका यार अभी मतलब अभी जिस हिसाब से रिस्पॉन्स जा रहा है ना, 100% गारंटी नहीं है कि अपने को है ना जवाब मिले, ठीक है ना। अपने को हर चीज़ को देखते हुए चीज़ को आगे बढ़ाना है। तो यार अगर तुम लोग चाहो तो रीअपियर कर देना, इसी वीडियो इसी के लिए मैंने बनाया है। और इनफैक्ट शायद तक उम्मीद है कि मैं भी कर दूँ। अगर मैं रीअप्लाई के लिए अपियर करूँगी तो मैं तुम लोगों को ज़रूर अपडेट कर दूँगी, ठीक है। ओके देन, फिर अभी का आज का वीडियो यहीं, अभी का ये वीडियो यहीं तक का रखते हैं यार। बाकी अब आप लोगों की इच्छा है, कहना मेरा फ़र्ज था, इट वॉज़ माई ड्यूटी, क्योंकि आप लोग मेरे भरोसे थे और इनफैक्ट अभी भी हो, मतलब मेरे भरोसे ऐसे मेरे जैसे कई लोगों के भरोसे हो कि आपको प्रोटेस्ट मतलब करना है, हमें जस्टिस चाहिए। इनफैक्ट मैं भी हूँ यार, मेरे को भी करना है। बट अगर मान लो कि इनके ऐसे ना अपने पास कोई मतलब नतीजा नहीं आते, तो अपने पास में सेफ साइड रहने के लिए एक दूसरा मौका होना चाहिए। इसलिए यार फॉर्म तो भर ही देना, मेरी मानो तो भर देना अगर तुम लोगों को लगता है तो। बाकी यार आप लोगों की इच्छा है, ठीक है। फिर ओके देन, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।